नहीं मिलेगी सत्य को इलेक्शन की टिकट, दामिनी की तस्वीर खोलेगी सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अंकुश को बदनाम करना सत्य का टारगेट था और वो टारगेट उसका पूरा हो गया। अंकुश की पत्नी बेला घर छोड़ के चली गई और सत्य ने बड़ा दिल दिखा के बड़े भाई का फर्ज निभा के अपने घर में उसको शरण दी। ये पूरा चैप्टर अंकुश को पसंद नहीं आया। तो ये सब किया क्यों सत्य ने? सिर्फ एक इलेक्शन की टिकट पाने के लिए अपने घर को, अपने भाई को बदनाम कर दिया। तो अब आसार तो ये नजर आ रहे हैं कि टिकट तो नहीं मिलेगी भाई। बात करते हैं कैसे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है, इसमें सत्य ने अपना जो है पूरी तरह से चाल चल के अंकुश को फंसा दिया है। अंकुश की पत्नी बेला, जिसको अंकुश पे पूरी तरह से विश्वास था, उसका विश्वास डोल गया है। बेला एक अच्छी औरत है, उसके दिल में आर्य के लिए भी बहुत जगह है, प्यार है आर्य के लिए। और आर्य तो ऐसी बच्ची है कि जो किसी के घर में ऐसा क्लेश देख ही नहीं सकती है, किसी की भी आंखों में आंसू नहीं देख सकती है, और खास करके उनकी आंखों में जो उसके दिल के करीब हो। बेला को गुड़ काकी कहती है वो, यानी कि मीठा बोलने वाली काकी, तो उसको घर से जाते कैसे देख सकती है। और अब जो होता ना, कुदरत भी साथ देती है। अब आर्य के पास अपनी माँ की फोटो है, कहां से आई ये एक अलग सवाल है, क्योंकि आर्य तो ऐसे ही मिली थी, जब अंकुश को मिली थी उसके बाद फोटो कहां से आई। खैर ये एक टीवी लिबर्टी जो भी हम समझे, या फिर इनके घर पे देखी होगी फोटो, कि फोटो तो होगी दामिनी की। तो वो फोटो जब आर्य देखती है या उसके पास से निकलती है, तो वो फोटो हमें दिखाई गई है प्री कैप में, कि वो तस्वीर जो है सत्य के घर पे जाके गिरती है, क्योंकि धक्का लगता है, तस्वीर आर्य के हाथ से गिर जाती है। अब यहां पे ये तस्वीर सत्य को तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी सत्य के सामने ये सच आ गया कि दामिनी की बेटी आर्य है, यानी कि सत्य की बेटी है आर्य, जिस खून को वो ढूंढ रहा है वो आर्य है। और दामिनी का डर है कि आर्य को वो मार देगा, क्योंकि वो लड़की है, और इसी डर की वजह से अंकुश ने सच नहीं बताया। अब ये तस्वीर देखने वाली होगी बेला। बेला जब ये तस्वीर देखेगी, वो चुपचाप वहां से अपने घर चली जाएगी और फिर अंकुश से बात करेगी कि ये क्या आर्य सत्य और दामिनी भाभी की बेटी है। तब अंकुश को सच बताना पड़ेगा दोस्तों। और इस तरफ जो सत्य ने प्लानिंग की है अंकुश के खिलाफ कि अंकुश को बदनाम करूंगा, उसकी सबसे बड़ी गवाह उसने उसी की पत्नी बेला को बनाया है कि बेला मेरे घर पे रहती है, देखिए बेला से सुनिए, उसकी पत्नी से सुनिए कि अंकुश ने उसके साथ धोखा किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके साथ बच्ची भी है। मगर बेला वहां पे इस बात की गवाही नहीं देगी। बेला अंकुश का साथ देगी, जिससे कि सत्य की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, और जो सत्य करके टिकट लेना चाहता था वो टिकट उसको नहीं मिलेगी, और फिर उसका गुस्सा होगा चरम सीमा में, और फिर आगे क्या क्या करता है ये हम आने वाले समय में देखेंगे। मगर फिलहाल कहानी इसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।